पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। आज की दोपहर के बेला में हम सभी मसीह भाई बहन एक बार फिर से हम जीवित परमेश्वर के पास में फेट जाएंगे। परमेश्वर के सम्मुख में आज अपने अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख में अपने अपने जो है विचारों को परमेश्वर के सम्मुख में रखेंगे। वो परमेश्वर जो है आज आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। आज मेरे प्रभु हम वचन के द्वारा प्रार्थना करने पाएंगे। आइए हम सब लोग जो है कुछ क्षण परमेश्वर के पास में जाएं और आइए हम कुछ क्षण वचन को देखने पाएंगे। वचन में कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे दाहिने हाथ में दृढ़ करूंगा और संभाल लूंगा, कहता है। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई, परमेश्वर का वचन आज मेरे प्रिय आपको सिखा रहा है, कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे जो है संभाल कर मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मजबूती दूंगा, कहता है परमेश्वर वचन। हालेलुया मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज आपको जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके डर और भय में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो मेरे प्रिय आज आपको भय नहीं खाना है, आपको डरना नहीं है। आपको कोई मेरे प्रभु डराने की कोशिश करे, आपको कोई जो है धमकाने की कोशिश करे, लेकिन आपको कभी डरना नहीं है, आपको कभी डरना नहीं है, परमेश्वर से आपको डरना है सिर्फ। अगर आप परमेश्वर से डरोगे तो आपको जो है आपके अंदर जो भय की आत्मा है, परमेश्वर उस भय की आत्मा को दूर करेगा और आपके परिवार से परमेश्वर यहोवा वो भय की आत्मा को दूर करेगा और वो भय की आत्मा आपके शरीर में नहीं रहने पाएगा। वो जीवित परमेश्वर आपकी सहायता करेगा जिसने आज आपको मेरे को बनाया। वचन में कहता है ना भजन 37 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में सोकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कौन कह रहा है? राजा दाऊद कह रहा है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के सच्चे और अच्छे विश्वासी हैं तो मेरे प्रियो आपको भी कभी नहीं कहना, कभी नहीं डरना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास में आकर कहना है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में सोकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, तूने मेरे सताने वाला के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा, कहता परमेश्वर को वचन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जयजयकार हो जयजयकार हो जयजयकार हो, रक्तम जयम यीशु के लहू की जय, तारीफ हो वो मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जीवित परमेश्वर पिता, जितने आज तेरे पास में तेरे बेटा और बेटी पाए जाते हैं पिता, वो सबकी प्रार्थना को सुनना और सबकी प्रभु जी वो भय की आत्मा को, अंधकार जो उनके परिवार में शैतान डाल दिया था, वो डरा रहा था प्रभु जी, वो प्रभु जी कई प्रकार की प्रभु जी भयभीत करता रहा प्रभु जी, कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की उलझन डालता था प्रभु जी, और नाना प्रकार की समस्याओं में उनको फंसा देता था प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता आज वचन के अनुसार उनके अंदर से भय की आत्मा निकलने पाए पिता, और डर की आत्मा निकलने पाए, अंधकार की आत्मा निकलने पाए, ओ प्रभु जी हर एक जन ज्योति में चमकने पाए, हर एक जन ज्योति में चमकने पाए और प्रभु जी उनके जीवन से अंधकार निकलने पाए, और हर एक जन प्रभु जो प्रभु अपने अपने हृदय में अपने मन में कई बार प्रभु जी डर जाते थे, ओ प्रभु जी घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने प्रभु तेरे पास में बेटा और बेटी पाए जाते हैं पिता, वो सब के प्रभु अंदर से भय की आत्मा निकालना और प्रभु उनके परिवार को मजबूती देना प्रभु जी, वो कभी किसी चीज से डरने वाले ना हो जाए प्रभु, डरे तो सिर्फ परमेश्वर आपके वचनों से और आपसे प्रभु जी पिता। हालेलुया, वचन में लिखा है मनुष्यों के लिए तो असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्यों के लिए तो ये काम नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, विश्वास करते हैं, तो आज सचमुच में आपको वायदों का पक्का परमेश्वर जिसने आज आपको मेरे को बनाया, वो परमेश्वर सचमुच में आपके अंदर से भय की आत्मा को दूर करेगा और आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके आपके अंदर ज्योति को चमकाएगा। जिस प्रकार आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर यहोवा ने मेरे प्रियो राजा दाऊद को संकट और दुख और मुसीबत से बचाया, आपको मेरे प्रियो
आपको मालूम होगा दानियल जो परमेश्वर के अच्छे भक्त थे उसको मेरे प्रभु डरा और धमका करके कई प्रकार के ताड़नाएं देते थे, कई प्रकार के बात बोल बोल कर उसको भय, उसके अंदर डर और भय की आत्मा लाते थे। लेकिन उन्होंने मेरे प्रभु जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखा। उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर इस डर और भय से मुझको छुड़ा सकता है, मेरा परमेश्वर मुझको जो है भय की आत्मा से आजाद कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे भय की आत्मा से निकाल सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे भय की आत्मा से दूर कर सकता है। ऐसे मेरे प्रभु उसने कहा। और अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको जो है परमेश्वर बचा लिया। और परमेश्वर जब उसको बचाया तो नया जीवन भी दिया और उसकी महिमा हुआ, उसकी तारीफ और बड़ाई जयकार होने लगा। परमेश्वर उसको संभाल कर उसको नया जीवन दिया मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं कहता हूँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आपको कभी नहीं कहना है कि मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है, आपको कभी नहीं कहना है कि मेरे पास में जो है मैं जो है परमेश्वर के वचन नहीं है, मैं परमेश्वर के योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे मन में तरह तरह की विचार, तरह तरह की सोच आपको कभी नहीं लाना है तो आपको परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा और आपको हर क्षेत्र में परमेश्वर है वह संभाल कर नया जीवन देगा और आपके अंदर जो भय की आत्मा है उसको दूर करेगा, आपके अंदर जो भय की आत्मा है उसको निकालेगा प्रभु यीशु मसीह, और आपके परिवार से भी भय की आत्मा को दूर करेगा और आपको कभी मेरे प्रभु निराश और हताश नहीं होने देगा। हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके सृजे हुए हैं, हमारे मेरे प्रभु हमारे अंदर किसी प्रकार की भय की आत्मा को नहीं आने देगा। वचन कहता है ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई करूंगा जीवन भर मेरे साथ साथ बनेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। आपको कहना है, वचन ये भी कहता है मेरे प्रियो, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी कहता है। आप चाहे रात में निकल जाओ, चाहे दिन में निकल जाओ, आप कहीं भी निकल जाओ, अगर आप परमेश्वर की संगति में हो मेरे प्रियो तो आपको डरना नहीं है, आपको उस समय डटकर सामना करना पड़ेगा। आपको डटकर सामना जब करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता और मदद करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपके सपोर्ट करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको हर क्षेत्र में बढ़ाएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको हर क्षेत्र में उठाएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसकी बनाई हुई रचना है, उसकी बनाई हुई सृष्टि है। हमको परमेश्वर यह जरूर हमारे कष्टों को, हमारे अंदर भय की आत्मा को, हमारे अंदर डर की आत्मा को सबको निकाल कर हमको नया जीवन देगा और हमको उस मार्ग में चलाएगा जिस मार्ग में हम कभी गए भी नहीं थे। हालेलुया, रक्तम जी हम यीशु के लहू की जय, तारीफ हो, तारीफ हो, यस यस। मेरे प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पिता सहायता करो, मदद करो, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू लो पिता, आज यीशु मसीह के नाम से टच करो पिता, हर एक जन के जीवन को परिस्थितियों को बदल दो पिता, उनका मन हृदय सोच विचार तेरी ओर से प्रभु जी वो लगने पाए पिता, तेरी ओर से प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता होने पाए पिता, और आज प्रभु डर भय की आत्मा खत्म हो जाने पाए, वो डर भय की आत्मा निकल जाए यस 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 यस। मेरे प्रभु जी आज छू लो पिता, मेरे परमेश्वर पिता उनके अंदर से डर भय की आत्मा निकालो प्रभु जी, ओ बिना चिंता करे, बिना प्रभु जी ओ कष्ट और दुख और मुसीबत करते पिता नहीं, लेकिन प्रभु जी बिल्कुल निष्कपट और निस्वार्थ मन से प्रभु तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार वो चलने पाए पिता। हालेलुया, दया करो मेरे प्रभु जी, सहायता करो, मदद करो, यीशु मसीह छू लो पिता, यीशु मसीह टच करो, आज उनकी जरूरतों को पूरा करो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, यस प्रभु जी धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के साथ आज प्रार्थना करता हूं कि हर एक जन के अंदर जो डर भय की आत्मा है उसको निकाल दीजिए प्रभु जी। पिता अपने ऑफिस में डरते थे अपने प्रभु जी कर्मचारी अपने नौकर चाकर जितने उनके प्रभु सबसे, वो यीशु मसीह के नाम से निकल कर आजाद हो जाए पिता, प्रभु तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए, प्रभु तेरे प्रभु जी ज्ञान में, प्रभु तेरे सामर्थ्य में आगे बढ़ने पाए पिता, और तेरे अद्भुत ज्योति में चमकने पाए पिता, अंधकार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, सहायता करो, मदद करो, आज प्रभु तेरी ज्योति यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चमकने पाए पिता, आज जीवित परमेश्वर पिता आज तेरी ओर से बड़े सामर्थ्य को, बड़े अद्भुत चंगाई और छुटकारा को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु जी, आज बदल दो यीशु मसीह के नाम से उद्धार करता परमेश्वर, आज छू लो प्रभु जी और टच करो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आज हर एक जन के प्रभु जी अंदर से
भय की आत्मा दूर करना पिता। और आज प्रभु दोपहर के वेला में हर एक मसीहन प्रभु जी अपने जीवन में एक नए बलवान को और नए ताकत को और नए प्रभु जी सामर्थ को अपने जीवन में देख ले पाए प्रभु जी। पिता आज ऐसे ही सामर्थ और चंगाई और छुटकारा देना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता एक एक मसीह भाई बहन जो प्रभु आज डरते थे घबराते थे, लेकिन प्रभु जी आज ईश्वर के नाम से खुलकर सीना तान के कहने पाए कि प्रभु की सामर्थ मेरे अंदर है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं आगे या पीछे नहीं भागूंगा, नहीं, लेकिन मैं प्रभु की ओर ध्यान लगाकर प्रभु की ओर भागूंगा। आपको सीने तान के कहना है प्रभु जो आपको सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा भी करेगा मेरे प्रिय मसीह भवन। हालेलुया। आपको मेरे प्रिय कभी नहीं कहना कि मेरे को प्रार्थना करते नहीं बनता, मेरे को ये नहीं तो वो नहीं। आपको बहाना बिल्कुल नहीं मारना है, परमेश्वर के सम्मुख में ईमानदारी से आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको उस जगह से निकालेगा, आप जिस जगह में हो उस जगह से परमेश्वर आपको निकाल कर आपको नया जीवन देगा। इसलिए आपको जो है हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत को बिल्कुल मजबूत करके आपको जो है उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपके भय की जो है आत्मा को आपके अंदर से निकालेगा और यशायाह 41:10 के अनुसार आपको जो है मजबूत करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा और नया जीवन देगा। पिता का धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, आमीन।